आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, मैं हूं मुस्कान असमानी और आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। रुक करते हैं यूपी की कुछ बड़ी खबरों की ओर, जहां योगी सरकार के 6 साल पूरे होने वाले हैं। इस मौके पर लखनऊ के 1090 चौराहे पर महिला सशक्तिकरण को लेकर बाइक रैली निकाली गई। इस रैली में पुलिस कमिश्नर के साथ एडीजी 1090 समेत तमाम पुलिस के आला अधिकारी भी मौजूद रहे। वही महिला पुलिसकर्मी ने बड़े पैमाने पर रैली में भाग लिया और पुलिस कमिश्नर ने हरी झंडी दिखाकर इस रैली को रवाना किया। रैली लखनऊ समेत तमाम जिलों से निकाली जा रही है। बता दें कि 1090 से निकाली गई बाइक रैली कानपुर इटावा जाते हुए ललित पुर में जाकर इसका समापन किया जाएगा। आप जानते हैं शासन की प्राथमिकताओं के अनुसार 22 तारीख से महिला सशक्तिकरण की रैलियां जो है वो पूरे प्रदेश में चल रही है। 22 तारीख को माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसका बलरामपुर में शुभारंभ किया था। आज इसका लखनऊ से कानपुर तक का जो चरण है उसका फ्लैग ऑफ हुआ है, जिसमें एडीजी मैडम मौजूद थी। और मुख्य रूप से आप जानते हैं कि मिशन शक्ति के रूप में बहुत दिनों से शासन ने विविध योजनाओं को शुरू किया है और महिला सशक्तिकरण के तमाम भाजपा प्रदेश कार्यालय में उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि राहुल गांधी को जाति सूचक शब्दों पर न्यायालय ने सजा सुनाई है। हम अदालत के फैसले का स्वागत करते हैं और कांग्रेस सदैव से पिछड़ों दलितों की विरोधी पार्टी रही है और कांग्रेस ने एक बार नहीं अनेक बार पीएम मोदी का अपमान करने का काम किया है। साथ ही उन्होंने कहा कि हमने ओबीसी समाज को उनका हक दिया है और केंद्र सरकार ने सभी के कल्याण के लिए काम किया है। भ्रष्टाचार हो, बड़े बड़े भ्रष्टाचारी देश को लूट करके बैठे हो। कांग्रेस चाहती है कि अगर लोगों ने देश को लूटा है, कांग्रेसियों ने देश को लूटा है या कांग्रेस से संरक्षण प्राप्त लोगों ने देश को लूटा है, उनके खिलाफ जांच ना हो, उनके यहाँ छापे ना पड़े, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई ना हो, भले ही ईडी के द्वारा जारी विज्ञप्ति में बताया जा रहा है कि हमारा जो रेट सफलता का जो रेट है वो 98%, अगर 100 छापे पड़े तो 98 छापों में उनको जो जहां छापे पड़े वहां कोई ना कोई गड़बड़ियां मिली वहां। खबर रायबरेली से है, जहां अपर पुलिस महानिदेशक के निर्देशों का पुलिस पर कोई असर नहीं पड़ रहा है। बता दें कि पुलिस ने एक मन दिमाग के लड़के को गलत तरीके से एनडीपीएस के आरोप में गांजा और अवैध तमंचा लगाकर जेल भेज दिया, जिसके बाद युवक को फर्जी मुकदमे में फंसा कर जेल भेजे गए दलित लड़के के पिता की सदमे से मौत हो गई है, जिसके बाद परिजनों ने पुलिस अधीक्षक कार्यालय पर शव रखते हुए प्रदर्शन भी किया। पूरा मामला भदोकर थाना क्षेत्र के मोहम्मदपुर गुजरिया गाँव का बताया जा रहा। हमारे यहाँ एक लड़का था, थोड़ा कम दिमाग का, तो हमारे मधुकर पुलिस को पकड़ लेंगे। पकड़ने के बाद उसको दफा 325 में और गांजा लगा करके अन्य धाराएँ लगा करके जेल भेज दिया, ठीक है। और जब उसके पिताजी को जानकारी हुई तो वो सदमे में उसकी मौत हुई। और आने से जब लोग उसके चाचा उसका चचेरा भाई थाने गया था तो उसको उसने पूछा वहाँ बता दिया गया उसको, तो एक सिपाही ने कहा 25-30 हज़ार रुपये की व्यवस्था करके आओ तब। ये स्वर्गीय रामदेव हैं, इनकी कल मृत्यु हो गई, इनकी पत्नी आज आई हैं, उनकी तरफ से एक प्रार्थना पत्र दिया गया है। इनकी पत्नी का नाम श्रीमती सोनी है। इनका ये कहना है कि इनके पुत्र को 21 तारीख को आर्म्स एक्ट में चालान किया गया थाना भदोकर पर, और आरोप इन्होंने ये लगाया है कि हमारे बच्चे का गलत चालान हुआ था जिसके सदमे में हमारे पिता की पति की मृत्यु हो गई है। इनके द्वारा ये प्रार्थना पत्र दिया गया है। इस प्रकरण में हम लोग गहराई से जांच करा रहे हैं, जांच के उपरांत जो भी दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
रायबरेली में दो दिन पहले चैत नवरात्रि में मंदिरों में जहां भक्तों का सैलाब उमड़ पड़ा, तो वहीं रमजान शरीफ के 5 महीने में तरावी नमाज और रोजे को लेकर मुस्लिम समाज में मस्जिदों में नमाजियों का सैलाब देखने को मिला। जहां घर परिवार और मुल्क की सलामती के लिए इबादत गाहों में लोग पहुंचकर खुदा का शुक्र अदा कर रहे हैं और दुआएं भी मांग रहे हैं, वही प्रशासन किसी भी प्रकार की अनहोनी से निपटने के लिए सुरक्षा व्यवस्था को भी पूरी तरीके से चाक चौबंद कर चुकी है। देखिए, नवरात्रि को लेकर के जनपद में पूरी तैयारी कर ली गई है। मंदिरों में कुछ विशेष मंदिर है जहाँ पर भीड़ भाड़ होती है, वहाँ पर घंटियाँ लगा दी गई हैं। यहाँ जो 4 घाट हैं वहाँ भी, सरणी में 2 घाट हैं, डलमऊ और ऊँचाहा, ये महत्वपूर्ण घाट हैं, यहाँ भी घंटियाँ लगा दी गई हैं, चूँकि कुछ लोग यहाँ पर स्नान भी करने आते हैं। जनपद में पूरे नवरात्रि के दौरान 6 जुलूस निकाले जाते हैं, जो बहुत बड़े जुलूस नहीं है, जो अधिकतम संख्या उसमें होती है 400 से 500 की भीड़ होती है। कोतवाली का जुलूस थोड़ा बड़ा होता है, उसमें भी रूट देख लिया गया है आयोजकों के साथ, उसकी ड्यूटियाँ लगा दी गई हैं और संपूर्ण तैयारियां करके सुनिश्चित किया जा रहा है कि किसी भी तरह की कोई घटना ना होने पाए और निरापद रहे सारा त्यौहार। उसी तरह की तैयारी रमजान के लिए भी की गई है, रमजान में भी 6 जुलूस निकाले जाते हैं विभिन्न अवसरों पर। 18वीं जो रमजान है एक उस दिन निकलता है और बाकी अगले 2-3 दिनों में बाकी के जुलूस निकलते हैं, उनके भी रूट देख लिए गए हैं, उनके आयोजकों से बात कर ली गई है। थानों में पीस कमेटी की बैठकें कर ली गई हैं, कुछ थानों में भी चल भी रही हैं और जो भी इसमें स्टेक होल्डर्स हैं सबसे बात करके इसमें से तैयार है कहीं भी किसी तरह की कोई समस्या ना आए और दोनों ही त्यौहार। सैयद महबूब आलम शाह रहमतुल्लाह अलैह वक्फ बोर्ड से, उत्तर प्रदेश सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड से मैं यहाँ का। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि नवरात्रि भी चल रही है और रमज़ान शरीफ भी चल रहा है, इसको लेकर के क्या कोई दिक्कत ऐसा है, कोई महसूस होता है या और शासन की तरफ से सुरक्षा व्यवस्था के क्या इंतजाम हैं? ये जो मकाम है, ये जो जगह है, ऐसी जगह पे है कि यहाँ कोई मुस्लिम मोहल्ले नहीं है, अगल बगल कोई मुस्लिम आबादी नहीं, हमारी हिंदू भाइयों की आबादी है, लेकिन फुल कॉपरेट पूरी ताकत से वो हमारे साथ रहते हैं। कोई किसी किस्म का ना हमको यहाँ ऐसा लगता है कि हम असुरक्षित हैं, बिल्कुल सुरक्षित है, कभी प्रशासन से हमने गुहारी नहीं लगाई कि हमको सुरक्षा दे, सब लोग बहुत कॉपरेट। फिर भी एहतियातन पीस कमेटी में आप लोगों को बुलाया गया होगा? वैसे मुझे लगा कि मैं जब बाहर निकला हूँ नमाज से पहले तो प्रशासन के लोग थे मौजूद, 4-5 लोग 6 लोग मौजूद थे, उसमें दरोगा लेवल के लोग थे और ऊपर वाले कर्म है कि यहाँ पे सब लोग सहयोग अगल बगल वाले भी करते हैं, थोड़ा सा वही मोटरसाइकिल वगैरह अव्यवस्थित हो जाती उनको अभी हमने हमारे बगल में ट्रैफिक को लेकर के प्रताप गैरेज वाले उन्होंने पूरी जगह दे दी कि आप यहाँ पर, बाकी खुशनुमा माहौल है कोई दिक्कत। आप यहाँ पे किस जिम्मेदारी पे हैं? यहाँ पर मैं इमाम हूँ, मस्जिद का नमाज पढ़ता हूँ। रमजान शरीफ और चालू होने वाला है और नवरात्रि भी चालू है, इस तरीके से जो है शासन की तरफ से क्या कहा गया आप लोगों को, क्या जिम्मेदारी बताई गई सुरक्षा व्यवस्था के लेके, क्या कहा शासन की तरफ से कोई सुरक्षा व्यवस्था, कुछ गाइडलाइंस जो गाइडलाइंस आएंगे उसको जो है इंशाल्लाह हम लोग निभाएंगे। अभी कमेटी की तरफ से भी हमको कोई गाइडलाइंस नहीं मिली है। जी जी, साउंड वगैरह को लेकर के ऐसा कुछ? साउंड का वॉल्यूम पहले कम करने के लिए कहा गया था जी, वॉल्यूम कम किया गया है, अगर फिर और कम करने के लिए जो है गाजियाबाद में सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है। इस वीडियो में कुछ दबंग एक दुकानदार को पीटते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो वही दबंगों में अब किसी का भी खौफ नहीं दिख रहा है। पूरा मामला थाना नंदग्राम इलाके के घूमना मार्केट का है, जहां पुलिस का कहना है कि पीड़ित की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और 2 दबंगों को हिरासत में भी ले लिया गया है। के जरिए देख सकते हैं कि किस तरीके से गाजियाबाद में दबंगों की दबंगई देखने को मिली और इन तस्वीरों को देखकर ये कहा जा सकता है कि कहीं ना कहीं अब जो दबंग है उनको पुलिस का कोई भी खौफ नहीं है। आज सुबह लगभग 10:30 बजे नंदग्राम पुलिस को सूचना मिली कि नंदग्राम में पड़ने वाले घुटना मार्केट में एक दानिश नाम का व्यक्ति, जो कि पिछले 7-8 सालों से वहाँ पर टांगे पर लाकर गुड़ बेचता है, उसके साथ कुछ लोग आए और उसके बाद मारपीट करने लगे। इस पे स्थानीय दुकानदारों ने उनका विरोध करा
थोड़ी देर बाद ये मारपीट करने वाले व्यक्ति वहाँ से चले गए एवं लाठी डंडे लेकर वापस लौटे और स्थानीय दुकानदारों के साथ दानिश के साथ मारपिटाई करने लगे। इसमें दानिश की तहरीर पर अभियोग पंजीकृत करा जा रहा है एवं दो लोग अभी पुलिस की हिरासत में हैं। मौके पर कानून व्यवस्था की कोई समस्या नहीं है। खबर फरीदाबाद से है जहां विश्वकर्मा स्किल यूनिवर्सिटी में राष्ट्रीय स्तर पर तीसरा पुरुष और महिला भारत महाबली खिताबी दंगल आयोजित हुआ, जिसमें 8 कैटेगरी भार वर्ग में महिला और पुरुष पहलवानों के मुकाबले संपन्न हुए हैं और विजेता पहलवानों को सम्मानित भी किया गया है। अतिथि के तौर पर पहुंचे पूर्व कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल ने इस विशाल दंगल के आयोजन पर आयोजकों को बधाई भी दी है और वही पहलवानों को भी शुभकामनाएं देते हुए हरियाणा की खेल नीति की सराहना भी की है। और ये अपने आप में एक मिसाल है दंगल, जिसमें देश के सभी बड़े पहलवान आए हैं और ये दंगल हमारे सुंदर सरपंच दूधौला, लोकप्रिय सरपंच पृथला और राजेंद्र सरपंच भीकू के नंगला के सहयोग से और समस्त जो हमारे यहाँ बड़े बूढ़े आई हैं, युवा सरदारी आई है, उनके सहयोग से ये दंगल लगाया गया है। और मैं इस प्रांगण में जो भी आया है उसी का धन्यवाद करता हूँ, दिल से सभी का अभिनंदन करता हूँ। यहाँ पर जो 8 प्रतियोगिताएँ हमने जो विभिन्न वजन में रखी थी और उनके सभी जो पार्टिसिपेंट सुबह से अपनी कड़ी मशक्कत के साथ जो पूरे रोचक मुकाबले के साथ अपने प्रदर्शन को दिखा रहे हैं और बहुत जल्दी फाइनल होने वाला है प्रोग्राम और हमारे मुख्य अतिथि भी जो अभी जो पुरस्कार वितरण के लिए आ रहे हैं और ये बहुत बढ़िया जो सफल आयोजन रहा है। बहुत अच्छी कुश्ती रही है, ऐसा सिस्टम बहुत कम जगह में मिलता है। जैसे सिस्टम यहाँ पर था कुश्तियों के लिए इंटरनेशनल पे मिलता है, जैसे ये मैट लगे हुए हैं और जितनी भी सुविधा दे रखी है ऐसी बहुत कम सुविधा मिलती है। जितने जी आके गांव, जिस गांव में सरपंच जी हैं और जितने बड़े बुजुर्ग हैं उनका काफ़ी धन्यवाद करता हूँ जो इतनी अच्छी सुविधा दी। मैं युवाओं के लिए यही कहूँगा कि जी सुबह शाम कम से कम जी 20-25 मिनट तो पसीना निकालें, जिससे शरीर बहुत अच्छा रहेगा और नहीं कोई नशा करने की ज़रूरत पड़ेगी, नहीं और किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी। जो आप काम कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, पढ़ाई कर रहे हो या और कोई व्यापार कर रहे हो, उसमें भी बहुत अच्छा मन। ये बहुत अच्छा हुआ है जी हमारे क्षेत्र में भारतीय दंगल लगाया, जो इससे हमारे क्षेत्र के बच्चों को और बढ़ावा मिलेगा। जैसे आज मैं दूसरे स्थान पर रहूँ, आगे कोशिश रहेगी मैं भारत की सी बन के जाऊँ यहाँ से और यही आशा करता हूँ मैं अगली बार भारत की सी जरूर बनूँगा। संदेश ये है जी हमारे यहाँ फैसिलिटी कम मिलती है, उधर ज़्यादा फैसिलिटी मिलती है इसलिए हमारे बच्चे कम रह जाते हैं, नहीं तो इनसे हम आगे हैं सब चीज़ में, जान में भी, प्रैक्टिस में भी। बस कोचों की कमी है हमारे यहाँ, कोच लाए जाएँ, आप खेलों में बढ़ें ज़्यादा से ज़्यादा, उससे नशा दूर रहोगे। रायबरेली में खेत की रखवाली कर रहे किसान की देर रात अज्ञात बदमाशों ने गोली मारकर हत्या कर दी और पूरा मामला ऊंचाहार कोतवाली क्षेत्र के बहादुरगंज गांव का है, जहां गंगा कटरी में खेत की रखवाली कर रहे किसान गांव के बाहर खेत में झोपड़ी में बैठकर खेत की रखवाली कर रहे थे, तभी 4 से 5 अज्ञात बदमाश किसान को जबरदस्ती उठाकर दूसरे खेत में बने ट्यूबवेल पर ले गए और किसान को गोली मार दी, जिसके बाद किसान को अस्पताल ले जाया गया लेकिन तब तक किसान की मौत हो चुकी थी। हाँ, शंभु मौर्य 45 साल उम्र है, वो CSC ऊंचाहार से रेफर है और यहाँ ब्रॉड डेड मृत अवस्था में लाए गए थे और बता रहे हैं कि उनके साथ फायर आर्म इंजरी हुई थी, गोली मारी गई थी। अमरोहा के नौगावा सादात थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले गांव अलीपुर कला और खंड साल कला के साथ ही कई गांव को जोड़ने वाले मुख्य मार्ग पर PWD विभाग की ओर से बनाई जा रही सड़क बनते बनते उखड़ गई। वही जानकारी मिलने के बाद इलाके के ग्रामीणों ने PWD विभाग के ठेकेदार के खिलाफ प्रदर्शन किया और कहा कि मानक के अनुरूप ये सड़क नहीं बनाई जा रही थी, जिसकी वजह से यहाँ लाई गई घटिया सामग्री की पोल खुल गई है। ये हुआ है कि यहाँ पे जो ये सड़क बनी है, यहाँ पे ये 5 किलोमीटर की सड़क नौगांव बिलना पुल तक जा रही है यहाँ से बन के, ये सड़क जो बनने से पहले उखड़ गई है।
क्या चाहते हो आप? अपने ठेकेदार वगैरह से बोला था कुछ? ठेकेदार से बोला, ठेकेदार बोला भी ऐसी बनती है यहाँ तो हमारी सड़क है, ये तो कमीशन जाता है ऊपर तक, बस जिससे मर्जी करो तो शिकायत कर लो। हम ये चाहते हैं कि आम पब्लिक की रोड है, सड़क जो सरकार से बजट पेश हुआ मानक के अनुसार सड़क बननी चाहिए। ये रोड बन रही है 5 किलोमीटर की लोगा से लिंक ही, तो ये रोड बनने से पहले टूट गई जो आपके सामने है। ठेकेदार से कही थी तो बोला हम तो कमीशन ऊपर तक देते हैं, ऐसी बनेगी। हम ये चाहते हैं कि मानक के अनुसार सही सड़क मजबूत बने। किसी से शिकायत वगैरह करी तुमने? शिकायत ठेकेदार से करी थी हमने, उन्होंने हमें ये जवाब दिया। हम तो अगर समस्या का समाधान नहीं हुआ तो फिर क्या करोगे? हम इसे बंद नहीं देने के, डीएम पे जाएंगे फिर। गाजियाबाद में चोरों का एक नया कारनामा देखने को मिला, जहां इन्होंने रैपिड रेल के कंस्ट्रक्शन साइट से पटरी को जोड़ने वाली 1000 से अधिक प्लेट ही गायब कर दी। बता दें कि रैपिड रेल करोड़ों रुपए का एक ऐसा प्रोजेक्ट है जो दिल्ली से मेरठ के बीच लाखों लोगों के लिए कहीं ना कहीं वरदान साबित होगा, लेकिन चोरों ने इसमें सेंधमारी करके न सिर्फ सुरक्षा पर सवालिया निशान उठाए हैं बल्कि इस प्रोजेक्ट को भी फिलहाल डिलेट कर दिया है। दिनांक 22/3/2023 को एनसीईआरटी परियोजना के तहत थाना लिंक रोड के अंदर निर्माणाधीन रैपिड रेल परियोजना के अधिकारियों द्वारा सूचित किया गया कि रेल की पटरी के नीचे लगने वाली फिश प्लेट गायब है, जिसके संबंध में उक्त अधिकारियों से तहरीर प्राप्त करके तत्काल अभियोग पंजीकृत कर लिया गया तथा टीमें गठित करके आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। यूपी के बुलंदशहर में वर्षों पुराने मनसा देवी में श्रद्धालुओं का तांता लगा है और ऐसी मान्यता है कि मनसा देवी मंदिर में जो भी श्रद्धालु अपनी मनोकामना लेकर आते हैं उनकी मनोकामना पूरी होती है। बता दें कि बुलंदशहर से 45 किलोमीटर दूर मनसा देवी का मंदिर है, वही नवरात्र में धूमधाम से मंदिर में पूजा अर्चना की जाती है, जहाँ हजारों की संख्या में श्रद्धालु पहुंचते हैं और ऐसा मानते हैं कि जो सच्चे दिल से मनोकामना मांगता है उनकी सभी मनोकामना मनसा देवी पूरा करती है। बुलंदशहर के तहसील जहांगीराबाद क्षेत्र के ग्राम लोहरा निवासी पीड़िता ने एसएसपी दफ्तर पहुंचकर एसपी सिटी को प्रार्थना पत्र देकर न्याय की गुहार लगाई है। बता दें कि पीड़िता को आए दिन एक व्यक्ति परेशान करता रहता है और जब पीड़िता उसका विरोध करती है तो आरोपी गाली गलौज करते हुए मारपीट तक करता है। इसी की शिकायत को लेकर पीड़िता एसएसपी ऑफिस पहुंची और एसपी सिटी को प्रार्थना पत्र देकर न्याय की गुहार लगाई है और आरोपी के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई किए जाने की भी पीड़िता ने अब मांग उठाई है। खबर औरैया जिले के थाना एरवा कटरा से है, जहां तकिया गांव के 3 घरों को चोरों ने निशाना बनाया है। बता दें कि चोरों ने नगद जेवरात समेत लाखों की चोरी की घटना को अंजाम दिया है। वही चोरी की घटना की जानकारी के बाद परिवार में हड़कंप मच गया और घटना की जानकारी थाना पुलिस को दी गई, जिसके बाद थाना अध्यक्ष जीवा राव पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे, जहां उनके द्वारा जांच पड़ताल की गई। चोरी हो गई हमारे घर में। कैसे? आप कहाँ थे उस समय? आगरा। कहाँ थे आप? आगरा। नहीं, जब चोरी हुई तब कहाँ थे? तो हम ऊपर सो रहे थे सब लोग। अच्छा, क्या चोरी हुई? सुबह जब हम आए उठ के तो कुंडी लगी थी बाहर से। क्या चोरी हुई आपके? हमारे 13,000 रुपए गए हैं। और भी कहीं हुई चोरी? हाँ, एक जगह और हो गई है, उनका तो बहुत माल चला गया अभी। हमारे यहाँ थोड़ा जेवर चला गया, पीछे वाले कमरे में था और आगे वाले में था, तो हम लोग सुबह उठे काम वाम करके गेट खोला, देखा सारे ताले आले टूटे गले थे, भीतर गए, भीतर देखा था अलवारी भरवारी के गेट टूटे गए थे, पीछे के पीछे बक्सा टूट रहा था, ना उसमें जेवर था ना धोती वोती थी, कुछ नहीं था। करीब होगा 10-11 लाख। आप लोग कहाँ सो रहे थे? हम लोग बाहर सो रहे थे बल्ली में। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश भर की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए प्राइम टीवी।